हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बाल। उफ, बाल इतने झड़ते हैं और ये मौसम ऐसा चल रहा है, मॉनसून सीजन आते ही बालों का झड़ना तो इतना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना ऐसा तेल बनाया जाए घर में ही, जो कि बढ़िया आपको बालों की ग्रोथ भी अच्छी कर दे, घर का घरेलू तेल। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हरे कृष्णा, तो स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटीज किचन में। तो आज आप देखिए पीछे, आज जो वीडियो आने वाला है उसमें मम्मी का पूरा काम है। तो ये देखिए मम्मी लगी हुई हैं, क्या कर रही हैं वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ आज हम बनाने जा रहे हैं हेयर ऑयल, और एक बार हम बना चुके हैं, हम आपको दिखाएंगे। वेट ये देखिए, एक हेयर ऑयल पूरा बना था, इसको हमने जैम के डिब्बी में वो बंद करके रखा हुआ है, तो इसको पूरा यूज़ कर लिया। अभी देखिए बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है ना, तो इसीलिए फिर दोबारा बनाया गया। और मम्मी खूब सारी कड़ी पत्ते गांव के उससे लाई थी, गांव से। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते क्या क्या चाहिए इसमें। तो ये देखिए है कड़ी पत्ता पूरे, और ये खूब सारे गाँव से आए थे। ये है नीम पत्तियाँ, और ये है गुड़हल की पत्तियाँ। और गुड़हल की पत्तियाँ ये देखिए मैं लेकर आई हूँ, इनको मम्मी ने कट कर दिया। ये जैसे गुड़हल की पत्तियाँ ये होती हैं, तो ये है गुड़हल की पत्तियाँ। और एलोवेरा आप देख रहे हैं, एलोवेरा ये एक इतना ही था बराबर, इसको कट कर दिया गया। अभी रेशियो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस हिसाब से, और पूरा इसी के बराबर था, इसको कट कर दिया। ये आपको दिखाने के लिए रखा कि इसको छीला नहीं है। और ये नीम पत्ती है जिनको कट किया, क्योंकि चॉप करना है आपको। और ये क्या है? कड़ी पत्ता। हाँ, तो अब ये कड़ी पत्ता जो है मम्मी कट कर रही हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही नहीं डालना है और इनको चॉप करना है। अभी ये है अदरक, अदरक हम अभी दिखाएंगे, इसको भी कट करना। और ये है प्याज, तो अनियन आपको पता है के फूल ले, गुलाब के, और गुलाब के फूल भी पड़ने वाले हैं, कि गुलाब की गुलाब है पूरे। ये भी गाँव से ही आए हैं, पापा ने रख दिए थे जो भी गिरते हैं फूल, और उनको ऐसे ही मतलब जो ड्राई हो जाते हैं उनको, फूल को तोड़ लेते हैं। तो ऐसे अब इनकी हम लोग पत्तियाँ निकालेंगे इसमें, और इनका भी यूज़ करेंगे। ये देखिए ये है कलौंजी, तो ये 2 टेबल स्पून फुल कलौंजी है, 2 टेबल स्पून फुल मेथी दाना है, चावल घर का चावल, तो ये भी 2 चम्मच है, 2 टेबल स्पून। और ये काली मिर्च है, तो काली मिर्च लगभग 10 ऐसे काली मिर्च ली हुई हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये है नीम की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ आप देख सकते हो क्वांटिटी में इतनी। और फिर उसके बाद ये अदरक है, तो अदरक लगभग 3-4 इंच उसको कट करके, लहसुन की कलियाँ 7-8 ही ली हैं, ज़्यादा नहीं लेनी है। ये है प्याज, प्याज हमने यहाँ पर जो 2 बड़ी बिग साइज़ वाला प्याज जो होता है ना, वो हमने यहाँ पर 2 इसको इस तरह से रफली जो है वो कट कर लिया है। ये है एलोवेरा, एलोवेरा भी हमने यहाँ पर 2 जो आपको साइज़ दिखाया था उसको पूरा कट कर लिया इस तरह से ही पूरा। और ये है गुलाब की पत्तियाँ, तो गुलाब की पत्तियाँ आप देख सकते हैं, ड्राई पूरी गुलाब की पत्तियाँ हैं। यहाँ ये है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता की आप क्वांटिटी देख सकते हैं, ज़्यादा आपको रखना है। और फिर ये है गुड़हल की जो पत्तियाँ होती हैं ये वो है, और अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, कर नहीं सकते बिल्कुल करिए, हमें मिला नहीं। 4-5 गुड़हल की पत्तियाँ ले लीजिए, गुड़हल का फूल सॉरी। अब ये देखिए इसमें गैस ऑन है, बिल्कुल लो फ्लेम है, और इसमें कुछ भी तेल वगैरह नहीं डाला, बस इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए इसको हम रोस्ट कर रहे हैं, तो ये तेल ज़रूर से ज़रूर अपने आप लगाइए सर में। और मैं जो है वो आपको बता दूं कि मैं लगाती हूँ इसको जब मुझे हेयर वॉश करना होता है, उसके एक दिन पहले मैं रात में लगाती हूँ, और फिर उसके बाद उसको ओवरनाइट पूरा रखती हूँ अच्छे से चम्पी उम्पी करके, और फिर नेक्स्ट डे मैं वॉश कर देती हूँ। तो आप चाहे उस तरह से कर लीजिए, या फिर आप 2-3 घंटे लगाना हो लगा लीजिए। ये तो परमानेंट लगा लें, याद मम्मी बता रही परमानेंट लगा लो, मीन्स कि जिसको जो पूरा रखता है ना, पूरा तेल लगा के पूरे मतलब 3-4 दिन, भाई मम्मी का कहना वो है कि वो लगा लो, बट हम लोग ऐसा नहीं करते जैसा आपने समझा होगा, बस जब बाल धोने हैं तभी लगाते हैं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, तो ज़रूर से ज़रूर इसको घर में बनाइए। और प्लीज़ डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, तो उसको अवॉइड करिएगा, बेटा है तो वो बहुत वो कर रहा है, तो इसलिए। लेकिन ज़रूर से ज़रूर मैं बोलूँगी, मेरे यहाँ मम्मी ने बनाया, मम्मी ने ही सबसे पहले बनाया था, और फिर उसका मुझे रिजल्ट दिखा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ब्यूटीज किचन। थैंक यू, बने रहिए।
ये देखिए भुन चुका है, इसको लगभग 2 मिनट तक लो फ्लेम में बस भुना है और फिर उसके बाद इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे हम इसको ग्राइंड कर लेंगे इसमें डाल के, अभी ठंडा हो जाने दीजिए, अभी बहुत गर्म है तो इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर ठंडा होने के बाद बिल्कुल दरदरा सा ये पिस चुका है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं दरदरा सा है, लेकिन स्मेल इतनी बढ़िया आ रही है ना कि कोई इसको खा लेंगे वो चीज़ बना के। ये है सरसों का तेल, आधा लीटर सरसों का तेल इसमें हम डाल रहे हैं। चाहे सरसों तेल बना, चाहे आप गरी, हाँ जो नारियल का तेल होता है आप उसमें बना लीजिए तो अपने अनुसार। और लेकिन हाँ, ही दो तेलों में बनता है ऑयल, सरसों का तेल और जो नारियल का तेल है उसमें ही बनता है। और ये देखिए कैसे देख रहे हैं भाई साहब, भाई साहब आप बताएंगे कुछ? भाई साहब आप कैमरे में आ रहे हैं। इसमें जो मिक्सचर हम लोगों ने अभी ग्राइंड किया था ना वो इसमें डाल दिया है, और ये तेल अभी गर्म गर्म कुछ नहीं किया ना हमें, हाँ इसमें सिर्फ ऐसे ही बाहर अभी ऐसे डाल दिया और सारी चीज़ें हम इसमें डाले दे रही है। अभी कड़ी पत्ता डाला है, यहाँ लड़ाई हो रही है, हम डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी एक बड़ी हल्की पत्तियाँ वो डालो, ये डालो नीम की पत्तियाँ डालो, ये गुड़हल की पत्तियाँ डालनी है, इसको भी ऐसे मिक्स कर लिया। अब ये बेटू जी डाल रहे हैं क्या, नीम की पत्तियाँ? हाँ बेटू जी डालिए आप, ये बेटू जी भी ऑयल बना रहे हैं। और ये इसमें फिर प्याज डालो बेटू, प्रसाद जैसे डाल रहे हैं, मुट्ठी भर भर के डालो। ये आधा लीटर जो है वो सरसों का तेल है, और अभी इसको इस तरह से सिर्फ डालना है और मिक्स कर देना है, मिक्स करना है। ये एलोवेरा वगैरह इसमें डाल देना है पूरा अच्छे से। और एलोवेरा हमने छीला नहीं है, सिर्फ हमने साइड से जो है इसमें बस हल्का सा किया है, और आप देख सकते हैं इसको छीला नहीं है। ये अदरक इसमें डाल रहे हैं, लहसुन जो है वो डाल रहे हैं, तो लहसुन ज़्यादा नहीं लेना आपने, सोचने बस 7-8 कलियाँ इनफ हैं, ज़्यादा नहीं डालना है लहसुन वगैरह। और काली मिर्च भी इनफ थी 7-8, जो मतलब लगभग 10 ऐसे। गुलाब की पत्तियाँ ये देखिए मैंने पूरी अलग कर ली थी तो इनको मैंने डाली, लगभग एक कटोरी फुल जो है छोटी कटोरी वो गुलाब की पत्तियाँ हैं। पंखा चला दो, इसको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर अब फैन चला दूँ क्योंकि मम्मी को करना। ये देखिए इसमें पूरा मिक्स हो गया है, पूरा मतलब सोख हो गया है इसमें, पूरा मिक्स हो गया है इसमें, तो इसी तरह से देखिए जैसे मम्मी मिक्स कर रही हैं इस तरह से। और इन देखिए कितनी डेडिकेटली वर्क कर रही हैं हमारी मम्मी, पूरा घर लगा है तेल बनवाने में। ये देखिए पानी एक एक कढ़ाई है, आप देख सकते हैं जो अभी नई कढ़ाई हम लाए थे, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, इसमें हमने बनाया था लड्डू बनाए थे कोकोनट लड्डू, तो वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। तो इसमें अब आप सोचेंगे पानी का क्या होगा, तो ये मुझे भी नहीं पता, ये मम्मी को पता है। तो इसमें ये आधा लीटर से ज़्यादा जो है पानी डाला हुआ है, और ये देखिए बॉईल हो रहा है, तो ये देखिए अभी स्टैंड रखा गया है, तो ये पूरा अच्छे तरीके से बॉईल होने लगेगा तब हम इसको रख देंगे और इसके ऊपर, और इसको हम इसी मतलब धीमी आँच में बिल्कुल इसको हम पकने देंगे, स्टीम होने देंगे, पूरा स्टीम में ही आपको पकाना है, और लगभग इसको 45 मिनट से 1 आवर तक इसको आपको पकाना है। किसको पकाना है? इसको आपको पकाना है, आप देख रहे हैं पूरा जो मसाला तैयार हुआ है, इसको 45 मिनट से 1 आवर तक इसको करना है आपको, तब हमारा तेल बनके रेडी होगा। तो ये देखिए अब हमने इसके ऊपर रख दिया, इसको हम कवर करके रख देंगे, लगभग 1 घंटे पकाएंगे। और यहाँ पर आंवला, एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी, आंवला अगर आपके पास कच्चा जो आंवला उसको आप काट के इसमें पीसेस में डाल सकते हैं, नहीं है तो पाउडर था तो पाउडर हमने 3-4 चम्मच यहाँ पर डाला हुआ, फिर उसके बाद अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। तो जैसा आपके पास पाउडर जो है वो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अच्छे अच्छे पाउडर आंवले के हैं, या फिर आप घर में सुखा के कूट सकते हैं, उनको बना सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था और 50 मिनट हो चुके हैं, और इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई है, स्मेल आना शुरू हो गई, मीन्स की कुक हुआ है अच्छा खासा। और आपको पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक तो ये बहुत ज़्यादा बोर है, ये जो पत्तियाँ हैं और ये जो आप एलोवेरा देख रहे हो ना, ये सब क्या हो चुका है, बिल्कुल पेल कलर में हो गया, मीन्स की इसका कलर हट चुका है और ये अच्छे से ये हो चुका है, एक सेकेंड। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट हम गैस में करेंगे, ये पूरा तो एक्स्ट्रैक्ट अच्छे से प्रेस करके निकल आया है, बट हम इसको अभी थोड़ा सा इसको हम डायरेक्ट गैस में हम इसको करेंगे। तो आगे देखिए फ्लेम हमने लो ही रखो, जिससे कि ये जले नहीं एकदम से, इसको लो में ही रखना है। और ये मोस्ट ऑफ द मतलब इसमें स्ट्रक्चर जो है वो पूरा निकल आया, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल भी बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल इसमें निकल आया हुआ है। बस थोड़ी देर इसको ना पूरा थोड़ा सा और हम डार्क गैस में करके इसको जितना भी थोड़ा सा बचा हुआ है ना वो हम इसमें पूरा जला लेंगे, ये जो ऊपर की सारी चीज़ें हैं। तो कितने समय तक करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे,
लेकिन इस तरह से चलाते हुए पूरा ऑयल इसमें हम कर लेंगे। तो अब ये हो गया है और लगभग मुश्किल से 5 मिनट बस हमने इसको ऐसे किया है। फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे करिएगा, पहले लो फ्लेम पे फिर लास्ट में जब 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको अब हम पहले ठंडा होने देंगे। अच्छा, तो मम्मी का कहना है कि गरम गरम ही छानना है, ठंडा नहीं होने देना है, तो मुझे करेक्ट कर दिया है, गरम गरम ही इसको छानना है। तो ये देखिए इसको, लेकिन चलाते रहिएगा नहीं तो वो नीचे चिपकने लगता है, तो इसको बीच बीच में आपको चलाते रहना। तो ये देखिए अब चलो, अभी इसको छान रहे हैं। तो इसको देखो पहले प्रेस कर दिया इसमें कि अच्छे से पूरा एक्सट्रैक्ट निकल आया, तो प्रेस किया है। अभी ये चीज़ हम फेंकेंगे नहीं, इसको अभी कपड़े से छानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो जैसे पूरा जो है ना जूस पूरा निकल आना चाहिए। और ये लगभग 50 मिनट हमने उसमें पानी में किया था, फिर उसके बाद 5 मिनट यहाँ पर किया बस, तो मीन्स कि 1 घंटे में आपका तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इसको हम कपड़े से, आपने पहले तो छन्नी से छान लिया, फिर उसका कपड़े से भी छान लीजिएगा, जिससे कि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो भी हट जाएंगे। तो छन्नी इसके कपड़े से छान लिया, ये भी जो है इसको भी पूरा हम कपड़े से पूरा अच्छे तरह से निचोड़ लेंगे, पूरा हम इसका एक्स्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। जितना आपसे बन पड़ रहा ना उसको पूरा निचोड़ लीजिएगा इस तरह से। तो ये देखिए पूरा तेल जो है बन के हो गया तैयार, बस आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, अपने बालों में लगाना है। वीडियो अच्छी लग रही तो मैं फिर से बोलूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे साथ जुड़ेगा। आप कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो बने रहिए, अभी देखिए ये जब हो जाएगा ना, फिर उसको आप एक कांच की शीशी है जिसमें है, कांच की शीशी में भर के रख दीजिए ठंडा होने के बाद थोड़ा सा, नहीं तो एकदम से रखेंगे तो ठंडा होने के बाद रख दीजिए। फिर उसको आप इसके अपने स्कैल्प में लगाइए, और सो जब आपको नेक्स्ट डे जैसे वॉश करना हेयर तो आप उससे पहले ओवरनाइट लगा सकते हैं इसको, या फिर जो लोग परमानेंट रखते हैं, वैसे मैं सजेशन नहीं देती हूँ कि परमानेंट आप हेयर ऑयल जो है आप अपने बालों में रखें। इतना पूरा अभी इसमें है और इस शीशे में हम भरेंगे, ये पुराना वाला है, इतना सा बचा था। तो ये देखिए इसको हम एक शीशी में भर रहे हैं, तो हेयर ऑयल बनके हो गया तैयार। तो आप भी ज़रूर से ज़रूर इसको ट्राई करिए, बनाइए, बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। बाय बाय, टेक केयर।